हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय में स्थित प्रसिद्ध नाशपाती के आकार की झील निम्न में से कौन सी है? भीमताल, नकुचियाताल, सत्ताल, नैनीताल। तो इसका सही जवाब है नैनीताल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नैनीताल की बस्ती के बीच स्थित प्राकृतिक मीठे पानी की निकाय नैनीताल का नाम नाशपाती के आकार की झील से पड़ा है। साल्टे द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, पेन्ना, उल्लास, मुथा। इसका सही जवाब है उल्लास। साल्टे द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में उल्लास नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक गेहूं और चावल उत्पादक राज्य है पंजाब और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने पंजाब को देश में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए पछाड़ दिया है। कौन सा देश ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है? जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। भारत ब्रिटेन। भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और यूके में 2019 में अमेरिका के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनने के लिए 5,429 नए रोजगार पैदा किए। पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने कार्य में एक और 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? लाजरस चकवेरा, रफाल ट्रजाकोवस्की, मिशेल टर्मिनल। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। अनराज दुडा। पोलैंड के राष्ट्रपति अंड्रजेज दुडा, जिन्हें अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। लाल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र, केवल दक्षिणी क्षेत्र, दक्कन के पठार का पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी भाग, इनमें से कोई नहीं। दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग। लाल मिट्टी भारतीय राज्य में पाई जाती है जैसा कि तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को पार करती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। इसका सही जवाब है लिम्पोपो। लिम्पोपो मोजाम्बिक से होकर बहती है। जिम्बेबी के बाद यह हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। अफ्रीका में लिम्पो नदी को 2 बार मकर रेखा को पार करती है। मकर रेखा के दक्षिण में भूमध्य रेखा स्थित है। किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। इसका सही जवाब है 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफ
जई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। किस शहर की मिट्टी में शंकुधारी वन पाया जाता है? शाहबलूत, पोर्टजोल, चेरनोजम, रेगर। पोर्टजोल में शंकुधारी वन पाया जाता है। पोर्टजोल की मिट्टी में शंकुधारी वन में पाए जाने वाले मिट्टी के प्रकार को पोर्टजोल कहा जाता है। मिट्टी रंग में हल्की है, बहुत अम्लीय है और इसमें एक ह्यूमस परत है जहां कई कवक बढ़ते हैं और पनपते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन है, हरिद्वार, नामचोबरवा, अलकनंदा, अम्बाला। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर स्टडी के बीच कोई भी बकवास नहीं किया जाता है, इसलिए मैं स्टडी के अलावा और कोई सेंटेंस का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। इसका सही जवाब है अम्बाला। अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच पानी के विभाजन पर स्थित शहर है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पहाड़ आदि क्षेत्र के दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है। ऐसे अपलैंड को पहाड़ी जल जमाव के रूप में जाना जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों में निगरानी किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय, जिला अदालत, उच्च न्यायालय, संसद। इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यता और अधीनस्थ अदालतों के कामकाज की प्रणाली संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यावरण के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का शीर्ष पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर अवार्ड, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन पाम्स अवार्ड। गोल्डन पांडा विश्वव्यापी निधि पर निधि UWF द्वारा अग्रणी वैश्विक पर्यावरण संगठन सर्वोच्च संरक्षण पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? धन कर, मनोरंजन कर, आय कर, उपहार कर। निम्नलिखित में से मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। स्मैशर शब्द किस खेल से जुड़ा है? हॉकी, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है स्मैशर शब्द। स्मैशर वॉलीबॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख हमला शॉट है और यह मास्टर की सबसे मुश्किल चालों में से एक है। स्मैश का उपयोग करने वाले खिलाड़ी को स्मैशर के रूप में जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो भी वॉलीबॉल के वॉलीबॉल को पसंद करने वाले हैं, उन्हें ये शॉट आना बहुत ही ज़रूरी है और यदि उन्हें ये शॉट आ जाता है तो उन्हें स्मैशर के रूप में जाना जाएगा। यानी यह एक उपाधि की तरह है उस खेल में। निम्नलिखित में से कौन योग्यता का निर्धारण करता है जो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगा? भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल अधिनियम द्वारा संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 280(2) संसद कानून द्वारा योग्यता का निर्धारण कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और जिस तरीके से उनका चयन किया जाएगा। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी। जीबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आचार्य विद्वान जीवन राम भगवान दास कृपलानी एक गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवीद, रहस्यवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी अस्थिरता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, मैं बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी मेहनत को सफल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके ये शेयर करो, क्योंकि ये शेयर करने से कुछ घटेगा नहीं, और लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स।